नमस्कार फ्रेंड्स, हेल्प ऑफ शेयर मार्केट चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे और आपका पोर्टफोलियो भी काफ़ी प्रॉफिट में यानी ग्रीन में होगा। और आज हम फिर से उस स्टॉक की बात करेंगे जो आने वाले समय में आपको पोर्टफोलियो को और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन यानी प्रॉफिट में लाएगा। और उस स्टॉक को मैं बार बार आप लोगों से बताते आ रहा हूँ, फिर भी आज बताने के पीछे मेन रीजन ये है कि उनको लगातार काम मिलते जा रहा है। आज का हॉट न्यूज है रेलवे सेक्टर का, इजराइल के साथ MOU हुआ है यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ये बहुत ही खुशी की बात है और कुछ ही दिनों में बहुत सारे न्यू ऑर्डर मिले हैं। इससे पहले DMRC दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के साथ इनका MOU साइन हुआ था, फिर महाराष्ट्र रेलवे के साथ MOU साइन हुआ, फिर 584.22 करोड़ का ऑर्डर मिला है जिसमें नया टनल कंस्ट्रक्शन किया जाएगा। ये जितने भी MOU है इसे हमें आशा कर सकते हैं कि आने वाले समय में सेक्टर बहुत ही बेहतरीन करेगा। और अभी जस्ट 5 दिन के बाद यूनियन बजट है, उसके बाद में फिर ये सारे इतना ज़्यादा प्रॉफिट देंगे कि हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और अभी भी मौका है। इसके साथ में मैं बताना चाहूँगा कि मार्केट भी अभी काफ़ी ऑल टाइम हाई पे है, तो हो सकता है कि एक छोटा सा करेक्शन यानी प्रॉफिट बुकिंग भी आए। लेकिन इतना मैं आप लोगों को बार बार बोलते रहता हूँ, अभी भी रेलवे सेक्टर में काफ़ी प्रॉफिट बुकिंग हुआ, लेकिन मैं आप लोगों को पिछले वीडियो में बार बार बताते आया कि इस गिरावट को अपॉर्चुनिटी समझिए और इसमें आप एंट्री कीजिए। जब भी रेलवे सेक्टर के जितने भी शेयर्स हैं उसमें प्रॉफिट बुकिंग आए यानी गिरावट आए तो आप उसमें अपना पोजीशन बनाते जाइए। इतना पॉजिटिव होकर के मैं आप लोग को इसीलिए बताता हूँ कि कोई बेच रहा है और उनको इतना पता नहीं है कि इसका वैल्यू क्या है, लेकिन मुझे मालूम है इस स्टॉक का वैल्यू क्या है। अभी ये सारे स्टॉक बिल्कुल ही लो प्राइस में मिल रहे हैं, ये आपके लिए मेरे लिए अपॉर्चुनिटीज है। आप इन सारे स्टॉक्स को बाई करके और आने वाले समय में ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न्स लीजिए। किसने मना किया है कि आप मार्केट से पैसा मत लीजिए? आपको बस मार्केट में इन्वेस्टमेंट रहना, आपके अंदर पॉजिटिव थिंकिंग होना चाहिए, बी पॉजिटिव, ऑलवेज आपको मार्केट हेल्प करेगा। और साथ ही में जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं उनको तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को इससे भी ज़्यादा प्रॉफिट हो, इसलिए मैं कंटिन्यू इसके लिए काम कर रहा हूँ। और फ्रेंड्स, आपसे बताना चाहूँगा कि कुछ ही दिनों में मैं हो सकता है कि ओनली इसी के लिए काम करूँ। अभी थोड़ा मेरा नेचर ऑफ जॉब कुछ हटके है और मैं पहले थोड़ा मार्केट को समझ नहीं पाया था, मुझे काफ़ी इसमें कन्फ्यूजन था, लेकिन आप लोगों की दुआ है और ईश्वर के आशीर्वाद है कि अब मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस मिला है और हो सकता है कि आने वाले समय में मैं इसी लाइन में काफ़ी अच्छा से अच्छा परफॉर्म करूं और जितना हो सकेगा मैं बेहतर से बेहतर आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा। क्योंकि जितने भी आपने देखा होगा कि बिजनेसमैन है, उन लोगों का एक लाइफ स्टाइल अलग रहता है और उन लोगों का हर एक चीज़ कल्चर भी अलग होता है, तो क्यों ना उसको उसमें जाया जाए। हम लोग छोटे सा इनकम के लिए काफ़ी लंबे समय तक किसी के अंदर में रहकर और अपना हर एक चीज़ खो देते हैं, हम अपने टैलेंट को भी खो देते हैं। इसलिए समय रहते अपने टैलेंट को उभारिए, हो सके मार्केट से आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न लीजिए। इस चैनल को मैं 21 मार्च को बनाया था, लगभग अभी 4 महीना होने वाले हैं, उसमें मैक्सिमम स्टॉक्स हैं जो कि आपको 100% से ज़्यादा रिटर्न्स बना के दिया है और कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि 2 गुना 3 गुना भी प्रॉफिट बनाकर दिया है। आप लोग को मैं बताने की कोशिश करूंगा, आप लोग इस चैनल पे बने रहिए और जितने भी स्टॉक्स बताया जाएगा आप लोग उस पर फोकस कीजिए। और साथ ही में मैं बताना चाहूंगा कि किसी भी स्टॉक्स को डायरेक्टली आपको बाइंग और सेलिंग के लिए मैं नहीं बताता हूँ, क्योंकि जब भी इन्वेस्टमेंट हो सबसे पहले आप अपना एनालिसिस कीजिए और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एनालिसिस करवाने के बाद में ही आप किसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कीजिए। क्योंकि मार्केट में क्या चल रहा है, जिस सेक्टर में आप पैसा इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं उसके लिए क्या न्यूज है, वो मार्केट में पैसा बनाकर देगा नहीं देगा। साथ ही में आप लोग से बताना चाहूँगा कि आम बजट में 2 स्टॉक्स पे 54EC का छूट दे सकती है सरकार, इरेडा
इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड और हुडको हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। इन दो स्टॉक पे फोकस कीजिएगा, आने वाले समय में बहुत ही बेहतरीन रिटर्न्स बनाकर देंगे। और साथ ही मैं बताना चाहूँगा कि बीच बीच में जो मैंने आप लोगों को पेनी स्टॉक बताया था उसने तो काफ़ी कमाल के रिटर्न्स बना कर दिए हैं। उस पेनी स्टॉक में जितने भी आपने अपना पैसा लगाया था अपने पैसों को निकाल लीजिए और रिमेन जो प्रॉफिट में चल रहा है उसको रहने दीजिए। कल को उसमें थोड़ा करेक्शन भी आएगा तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। और ये जितने भी क्वालिटी के स्टॉक्स हैं आप उसमें उस पैसों को इन्वेस्टमेंट कीजिए। रेलवे सेक्टर को जितना भी ऑर्डर्स मिला है फिर से मैं बताना चाहूँगा कि आप अभी भी मौका है IRFC इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन इस स्टॉक पे फोकस कर सकते हैं। RBNL, रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, टीटागढ़ रेल सिस्टम लिमिटेड, टेक्स माइक्रो रेल एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड, राइट्स, इन सारे स्टॉक्स पे आप फोकस कीजिए, आने वाले समय में बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। फ्रेंड्स, अगर ये मेरा वीडियो पसंद आए तो दिल से लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से शेयर कीजिए। थैंक यू।